असलकम मेरा नाम है जिशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे विलायत के निसाब के ऊपर करिकुलम होता है ना तो मुझे बड़ी मैं पढ़ने पढ़ाने वाला बंदा हूँ तो बड़ी मुझे जस्तुजू रहती थी, थी कि कोई ना कोई सिलेबस हो ना, कोई ना कोई तरीका कार हो कि बंदा बोले यार ये कर लो तो बंदा भली बन जाएगा भाई ये तस्वीर पढ़नी है ये नमाज़ें पढ़नी हैं ये रोज़े रखने जो कुछ करना है एक दफ़े मुशक्कत करके बंदा कर ले बंदा वली बन जाए मसला ख़त्म हो तो मैं बड़ा किताबों में ढूंढा पिटता करता था कि किसी किताब में कहीं ना कहीं तो मुझे मिल जाए ना कि विलायत का निसाब क्या होता है बहुत से लोगों से और माकर कराम से मुफ्तिया कराम से शयूख से सवाल भी पूछे लेकिन किसी ने कोई तसली बख्श जवाब दिया नहीं तो फिर मेरे दोस्त मेरे हाथ में आ गया अब्दुल्ला एक दिन तो मैंने उससे पूछा यार अब्दुल्ला ये विलायत का निसाब क्या होता है तो कह रहा हैं तुम क्या सोच रहे हो मैंने कहा मैं यही सोच रहा हूँ कि कोई बाबा शाबा मुझे मिले और उसके पास जाके बैठूँ तो उससे कुछ सीखूँ बताते कि किय ये कर लो ये कर लो ये कर लो मैं बेटू टीरियल फॉलो करने वाला बंदा बंदाऊँ मुझे एक लिस्ट दी जाए मैं हमेशा उसको फॉलो करके रहता हूँ तो कोशिश करूँगा कि उस लिस्ट को फॉलो कर लूँ और मरने से पहले पहले इन शाह तला वो लिस्ट पूरी हो जाए तो विलायत तो मिल जाए ना अल्लाह से दोस्ती तो मेरी कम से कम हो जाए अल्लाह को जान तो सबको ना कम से कम तो कहने लगा कि तुम्हारे ना उम्र गलत कर रहे हो उम्र की जिस रेंज में बाबा ढूंढ रहे हो उस रेंज में मिलेगा नहीं मेरा क्या मतलब मैं चाह रहा हूँ कोई बंदा हो साठ सत्तर का अस्सी साल का नब्बे साल का तो बहुत ही बूढ़ा हो गया तो ये साठ से सत्तर के फेरे में मिल जाए तो मुझे काम कर देगा दया है कोई बिल्कुल लड़का सा होगा तो मुझे कहाँ गाइड करेगा तो कहने लगे नहीं नहीं इसकी ना उम्र थोड़ी कम कर लो तो ये जो उम्र जो तुम ढूंढ हो ना जिस बाबे के लिए ये एज है एक दिन से लेकर दो साल तक की मैं कभी पागल हो गया है कि एक दिन से दो साल तक की नोमूलूद बच्चा हुआ वो तो।, तो वो तो बोलना भी उसको नहीं आता बैठना भी नहीं आता चलना भी नहीं आता वो वो कैसे मुझे वली बनाएगा वो कैसे सिखाएगा तो उसने मुझे बड़े काम की बातें बताएँ सोचा मैं वापस अर्ज़ कर लूँ कहने लगा कि अगर विलायत सीखनी है ना तो जिसके घर में भी छोटा बच्चा हो या अगर आपका बच्चा है छोटा तो आप सिर्फ बैठ के उसको ऑब्ज़र्व करते रहें और अगर आपने सही तरीके से उसको ऑब्ज़र्व किया तो किसी हद तक विलायत की समझ में आ जाएगी मेरा अच्छा भाई बातें हो गई बहुत ज़्यादा दा फ़िलोसफिकल तो सही से बात बता सीधी साधी क्या क्या कहना चाह रहा है तो कहने लगा कि छोटे बच्चों को देखा करो उनको देख के आपको रहम मिलता है आपको रहम की समझ में आती है बच्चा छोटा सा फल्की सी चींचा करता है माँ बाप अपनी नींद छोड़ के उसको देखने में लग जाते हैं और देखते हैं कि वो बच्चा कोई परेशानी में तो नहीं है उसके कोई पेट में तो दर्द नहीं है उससे कोई भूख तो नहीं लगी फिर उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए जिनकी माँ मर गई जिनके बाप मर गए जो बिल्कुल छोटे से हैं हमारे माशरे में यतीम व ख़्वार फिर रहे होते उसके बाद उस रहम के बारे में सोचना चाहिए जो अल्लाह सुबहाना तआला को अपने बंदों से है जो सिर्फ बहुत बहुत ज़्यादा है जिसका हम शुमार नहीं कर सकते तो आपको पता चलता है कि रब आपसे कितना करीब है वो आपको चौबीस घंटे देख रहा है वो माँ बाप की तरह सो भी नहीं जाता उसकी कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ मौजूद है जो चाहे दे सकता है तो आपको थोड़ी रहम की अंडरस्टैंडिंग होती है उसके बाद दूसरी चीज़ जो बच्चों से सीखते हैं वो है ट्रस्ट एक साल का छः महीने का दो साल का बच्चा आपके हाथ में होता है ना उसे ये फ़िक्र नहीं होती कि आप उसे छोड़ देंगे उसको कभी गोद में लें कभी वो इधर जा रहा होता है कभी उधर जा रहा होता है सारे वो एरोबोटिक्स सिखा रहा होता है उसको परवाह नहीं होती कि मेरा सर कहाँ लगेगा टांग कहाँ लगेगी हाथ कहाँ लगेगा उसको पता होता है जिसकी गोद में हूँ ना जिसकी आगोश में हूँ जिसने उठाया हुआ है जिसने सहारा दिया हुआ है वो नुकसान नहीं होने देगा ये ट्रस्ट अगर अल्लाह के ऊपर आ जाए तो विलायत आई जाती है कि जिसने सहारा दिया हुआ है ना जिसके दस्ते कुदरत के अंदर हैं जिसने उठाया हुआ है वो नुकसान नहीं होने देगा फिर कहने का बच्चों को देखो बच्चों को कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो ज़ुबान नहीं आती वो सिर्फ रो सकते हैं वो रोते हैं और माँ पहचान जाती है कि पेम्पर गीला है वो रोते हैं माँ को पता लग जाता है कि उसको दूध चाहिए वो रोते हैं माँ को पता लग जाता है कि उसके पेट में दर्द है तो रोना एक ही ज़ुबान है ना वो एक तरीके से रोता है इसी तरीके से जब बंदा परेशान हो बंदा मुतरब हो तो कुछ ना करे कोई दुआ नहीं आती हो कोई वजीफ़े नहीं आते हो, जाके मालिक के पास रो पड़े मालिक को पता होता है इसको क्या चाहिए इसके पेट में दर्द है इसे रिस्क चाहिए इसे कोई और मसला है फिर आप देखिए बच्चों को अमूनी तौर के ऊपर उल्टा लिटा दिया जाते हैं पेट के बल या अमेरिका में उसे टमी टाइम कहते हैं ताकि वो थोड़े हिले जुले थोड़ी मुशक्कत करे तो थोड़ा थके भी ताकि नींद अच्छी आए और उसकी गैस वेस भी थोड़ी ख़ारिज हो जाए ताकि वो बिल्कुल ठीक रहे पेट शेट में दर्द ना हो लेकिन उस वक्त उस कैफिय में बच्चा बड़ा परेशान होता है बच्चा बोलता है मुझे उल्टा कर दिया है मेरे पेट पर पे बोझ पड़ रहा है तो बच्चा ज़ाहिर बातें इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता लेकिन माँ बाप जो उसको रखते हैं उसको पता होता है कि इसका मकसद क्या है उसको देखते रहते हैं इसी तरह कुदरत भी कभी कभी बंदों बंदों को चारों शान चित कर देती है वो बिल्कुल सर के बल ज़मीन पर गिरते हैं और उनको लगता है दुनिया उनको रोंदे जा रही है और सब लोग देख के उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं मजाक बना रहे हैं तालियां बजा रहे हैं और कोई भी शख्स आके उनको सीधा नहीं कर रहा कुदरत को पता होता है कि इस भट्टी से गुजरेंगे ना तो कुंदन बनेंगे इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो बहुत सारे गुनाह जायल हो जाएंगे इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो उस टास्क के लिए रेडी होंगे जो आगे उनके लिए लिखा हुआ है कभी कभी बच्चा रात को सोते में शोर करता है तो माँ मा बाप उठ के देखते हैं फिर आराम से सो जाते हैं उसको हाथ नहीं लगाते हैं, बोलते हैं ऐसे ही चूँचू कर रहा है वो ये देखते हैं कि आसपास में ख़ुदा ना नास्ता कोई ख़तरनाक चीज़ तो नहीं है ये तो नहीं कोई गर्म चीज़ हो कोई बिजली के बल्ब पे हाथ आ गया हो कोई कोई को, कीड़ा मकोड़ा उसके पास आ गया हो कोई को और ज़ख़म हो कोई चीज़ हो कुछ नहीं होता बोलते हैं ऐसे ही चूँचू कर रहा है उसको छोड़ देते हैं कुदरत भी इसी तरीके से देखती है बंदा बहुत शोर मचा रहा होता है बहुत उछल कूद कर रहा होता है कुदरत अच्छा हमको तो सिर्फ हाल नज़र आता है ना बच्चे को देख रहे हैं तो हमें प्रेजेंट नज़र आ रहा है कुदरत को माजी भी नज़र आ रहा है मुस्कबिल भी नज़र आ रहा है अब एक बंदा रोता हुआ आता है कि मर गया भूखा काम नहीं हो रहा पढ़ाई नहीं हो रही रिश्ता नहीं हो रहा और कुदरत देखती है कि आगे जाके इसको मंजिनियर बनना है आगे जा शादी भी होनी है बच्चे भी होने हैं आगे जाके अच्छी जॉब भी लग जानी है घर भी होना है तो कुदरत बोलती है ठीक है चू करने दो आराम से कोई मसला नहीं आगे सब कुछ लिखा जा चुका है फिर कुदरत माजी भी देखती है उसको पता होता है माजी में किस हाल में था और आज किस हाल में पहुँचा है तो कहता है सिर्फ बच्चों को अगर देखते रहें ऑब्जर्व करते रहें तो आपसे आपम सीखेंगे आप उससे ट्रस्ट सीखेंगे आप उससे मांगना सीखेंगे आप उससे सब्र सीखेंगे आप देखेंगे किस तरीके से आप बच्चों को डील करते हैं बच्चे के होने से पहले उसके लिए तमाम चीज़ें जमा कर देते हैं बच्चे की परेशानी से पहले उस बच्चे का ख्याल करते हैं तो आप एक आम से माँ बाप होके गरीब लोग होके इतना कुछ अपने बच्चे के लिए करते हैं तो अल्लाह सुबह व तआला जिसकी कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है जिसके पास वसाइल की कोई कमी नहीं है जिसके पास पावर की कोई कमी नहीं है जिसको किसी असम्बली से बिल पास नहीं करवाना वो आपकी कितनी क़दर करेगा तो मेरा दोस्त कहने लगा अब्दुल्ला कि बच्चों को अगर देख लिया जाए और किसी घर में अगर बच्चे हैं तो उनके साथ छः आठ महीने अगर गुजार लिए जाए ना तो विलायत का पूरा निसाब मिल जाता है हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है और भी बातें वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इसको को यहाँ पर ख़त्म करते हैं कभी फिर आप चाहेंगे तो कोई फॉलोअप वीडियो बना देंगे लेकिन आपके पास आज एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ताकि ये लर्निंग जो है दो तरफा हम सब एक दूसरे से सीख सकें आपके घर में अगर कोई बच्चा हो रिश्तेदारों के अंदर हो कोई छोटे बच्चे हों अब आप उनको ऑब्ज़र्व करें अब उनसे जो कुछ सीखें वो यहाँ कमेंट में मुझसे ज़रूर शेयर कर लें ताकि मुझे भी फ़ायदा हो और जो बाकी व्यूवर्स हों उनको भी फ़ायदा हो कि आपने अपने घर के छोटे बच्चों से जो चल नहीं सकते जो बोल नहीं सकते उनसे क्या सीखा ताकि हम सब भी वो चीज़ें सीख सकें मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा मैं हूँ आप सबका जिशान उस्मानी।